नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। तो टॉपिक अपना शुरू करते हैं। जो सी है, सी सपोर्ट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑप्स कॉन्सेप्ट। तो जो सी है वो अपनी फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अपना सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। जैसे कि क्लास वगैरह होती है, क्लास हम सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं लेकिन सी में हम नहीं कर सकते हैं। सी इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। जो सी है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस अपनी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इन सी लैंग्वेज स्कैन एफ यूज फॉर इनपुट। अगर हमें कुछ इनपुट करना है तो हमें स्कैन एफ यूज़ करना होता है। और इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी इन यूज़ फॉर इनपुट। अगर हमें इनपुट लेना है तो सी इन से होता है। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है और यहाँ पे फंक्शन की तरह से यूज़ करते हैं स्कैन एफ को। उसी तरीके से हमें आउटपुट अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ यूज़ करना होता है हमें सी के अंदर, और सी प्लस प्लस में हमें सी आउट यूज़ करना होता है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद है सी इन सी वी कैन नॉट यूज़ इनहेरिटेंस, बट इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज़ इनहेरिटेंस। जो सी प्लस प्लस होती है उसमें हम इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं लेकिन सी में हम इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन सी फाइल एक्सटेंशन इन सी इज़ डॉट सी यूज़ करते हैं। वहीं पर हमारा फाइल एक्सटेंशन जो होता है सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी होता है। सी इज ए सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, वहीं सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी। तो ये हमारे कुछ मेन सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की लर्निंग वीडियो चैनल पर आती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।